Assalamualaikum everyone. Hope you all are doing well. सबसे पहले मैं मैं बता दूं, well. so, अपनी चार बहनों के साथ एक यूट्यूब चैनल रन करती हूं, जिसका नाम है सिस्ट्रोलॉजी सिस्ट्रोलॉजी एक व्लॉगिंग चैनल है जिसमें हम अपने सब्सक्राइबर्स को अपनी डेली रूटीन Uh, अपने ट्रिप्स फैमिली एक्टिविटीज और स्पेशल मोमेंट्स दिखाते हैं और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम वन मिलियन लोगों की फैमिली है हम एक हम एक बहुत ही नॉर्मल फैमिली से ताल्लुक रखते थे लाइक रखते हैं अभी भी जिसका शोबिस से सोशल मीडिया से किसी भी प्लेटफॉर्म से कोई ताल्लुक नहीं था बट अब थोड़ी देर बाद बस मेरा शौक था मैंने ये सोचा कि बचपन में मुझे दो काम करने हैं या मुझे गाना गाना है या मुझे सिंगर बनना है या मुझे डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर मैं बन गई मेडिकल कॉलेज में मेरा एडमिशन हो गया लेकिन सिंगिंग के प्लेटफॉर्म को मुझे प्रसू करना थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा था क्योंकि आप कहीं जाते हो तो किसके सामने परफॉर्म करते हो देन यूट्यूब मेरी जिंदगी में आया और उसने मेरी लाइफ बदल गई मैंने अपने नाम से यूट्यूब चैनल बनाया और उस पर मैंने अपने सॉन्ग्स अपलोड करना शुरू कर दिए बहुत से लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया एंड देन सोचा कि ये चीज़ तो बड़ी अच्छी जा रही है आहिस्ता आहिस्ता करके अपलोड किया और तब मुझे लगा कि अगर मेरा शौक मेरा प्रोफेशन बन जाए तो क्या ही बात होगी आप में से कौन कौन लोग चाहते हैं कि आपका शौक आपका प्रोफेशन बने <laughs> यार इतना हल्का तो नहीं कोई चाहता हर कोई चाहता है कि जो प्रोफेशन है वो आपका शौक भी हो शौक होना चाहिए ना जैसे जैसे वक्त गुजरता गया कंटेंट चलता गया चलता गया चलता गया फिर एक दिन हम पांच बहनें बैठी हुई थी हम बेसिकली पांच बहनें हम लोग बैठी हुई थी हमने सोचा कि क्यों ना अपने YouTube चैनल का नाम इकरा कवल से चेंज करके कुछ और रखते हैं और उसमें हम मैंने अपने फनी स्किट्स अपलोड करना स्टार्ट कर देते हैं तो वहाँ पे हमने जो है वो अपने फनी स्किट्स अपलोड करना शुरू कर दिए लेकिन बीच में एक चीज आई कि फैमिली रिएक्शन क्या होगा रिश्तेदार क्या कहेंगे आसपास के लोग क्या बोलेंगे तो वहां पे मेरी फैमिली ने स्पेशली मेरे फादर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया "डू डू"। यू टू तो ऐसे मेरे यूट्यूब जर्नी का आगाज हुआ सिंगर बनते बनते कब ब्लॉगर बन गई पता ही नहीं चला सो so, 2017 में मैंने अपना करियर एज ए सिंगर स्टार्ट किया और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपको मैंने बताया कि मैंने किस तरह इस चीज को लेके चली हूं लेकिन फिर मैंने सोचा कि अब अपनी पहचान खुद बनानी है मैंने एक फैमिली स्किट अपना बनाया और उसको अपलोड किया अवाम की तरफ से ऐसा रिस्पांस कि मुझे गानों पे भी नहीं मिला था लेकिन यहाँ व्लॉग अपलोड करने के बाद बहुत अच्छा रिस्पांस मिला एंड द रेस्ट इज़ हिस्ट्री अब इवन तो कि पांचों बहनों ने अपना अपना चैनल भी बना लिया एंड आपको यकीन नहीं आएगा कि मेरे डैड का भी यूट्यूब चैनल है अच्छा लोग हमसे मिलते हैं लोगों ने हमें बहुत ज़्यादा प्यार दिया लोग मिलते हैं ऐसे नहीं लगता कि हम लोग सिर्फ पांच बहनें और अम्मी अबाए हैं हमें ऐसे लगता है कि हम लोग वन मिलियन की फैमिली यूट्यूब पे भी बन गई हैं और बहुत से लोग जो हमें मिलते हैं हमें लगता है कि हमारी फैमिली वो लोग हमें अपनी बहने बोलना स्टार्ट हो गए तो ये हमारे लिए हमारी फैमिली के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ थी अब बहुत से लोगों का एक सवाल होता है कि आपके दिमाग में ये सिस्ट्रोलॉजी नाम कैसे आया तो ये नाम की हिस्ट्री कुछ ऐसी है कि बींग ए मेडिकल स्टूडेंट हर दिन बायोलॉजी पैथोलॉजी लॉजी लॉजी करते करते थक थकिया की यार सिस्ट्रोलॉजी की केमिस्ट्री सिस्ट्रोलॉजी का नाम आया और बहनों की केमिस्ट्री दिखाने के लिए आई चूज दिस नेम सिस्ट्रोलॉजी और सिस्ट्रोलॉजी पे कंटेंट अपलोड करते 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 इसने हम सारी बहनों को फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट कर दिया और मुझे लगता है कि एज ए वुमेन हम लोगों को अपना काम अपनी चीज़ अपना खुद बॉस बनने का मौका मिला जो कि सबसे बड़ी बात थी मेरी दो बहनों का भी YouTube चैनल है और वो बहुत अच्छे स्किट्स बनाती हैं बहुत से लोग जानते भी होंगे हिरा फैसल फातिमा फैसल अब uh, मैं अब आपको बताती हूँ कि ये सारा जर्नी मेरा स्टार्ट हुआ उसके बाद वो दिन है और आज का दिन है आई कैन ट्रूली से दैट YouTube ने हमारी पूरी फैमिली की ज़िंदगी बदल के रख दी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस मैंने आपको बताया था लेकिन एज अ वुमेन जो आपको एक पावर मिलती है ना और मुझे लगता है कि लड़कियां जो कम काम कर रही है ना वो ज्यादा से ज्यादा काम करें क्योंकि YouTube पे लड़के बहुत कंटेंट बना रहे हैं लड़कियों को मैं पावर देती हूँ कि भाई स्टार्ट करो YouTube आप लोगों के लिए बेस्ट है अपनी बॉसेज खुद बन जाओ सो so, uh, हम हम लोगों ने कॉन्टेंट इस तरह का बनाया जिससे जिसमें ऑथेंटिसिटी थी हमारी रियल लाइफ मैंने दिखाई लोगों को मुझे लगता है कि लोग रियलिटी से ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं इसीलिए हमारे कंटेंट को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया इसके थ्रू जो है वो हमने अपनी कम्युनिटी बनाई और बहुत से लोगों के साथ कनेक्ट किया दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमने जो है वो रियलाइज़ किया कि लोग हमारे चैनल पर किसी स्पेसिफिक टॉपिक की वजह से नहीं आते किसी फॉर्मेट की वजह से नहीं आते वो हमारी वजह से हमारी फैमिली को हमें देखने के लिए आते हैं तो ये चीज़ सबसे बड़ी थी हमारी ऑडियंस के साथ हमारा कनेक्शन इस तरह से है कि हमारी पर्सनालिटी इस तरह की थी कि हमने उन लोगों को वो वाइब दी उस तरह की एक चीज़ सेट की कि लोगों को लगता है कि वो रियलिटी को देख रहे हैं जो हमें दुनिया मिलती है लोग मिलते हैं पेरेंट्स मिलते हैं बच्चे मिलते हैं वो हमें कहते हैं कि आ, हमारे बच्चे आपको देखते हैं इनको कोई मैसेज दें अपनी वीडियो के वाया तो मैं देती हूँ कि बच्चों पढ़ा करो बहुत से बच्चे पढ़ाइयाँ छोड़ देते हैं सिर्फ ब्लाग्स देखते हैं तो उनको मैं ये चीज़ें भी बोलती थी वर ब्लॉग्स के थ्रू हो शॉर्ट्स के थ्रू हो या लाइव स्ट्रीम के थ्रू हो हर तरह से हमने कॉन्टेंट प्रोवाइड किया यानी कि फॉर एग्जाम्पल जैसे यूट्यूब की खास बात यह है कि आप इस पर हर तरह का कॉन्टेंट अपलोड कर सकते हैं आप अपने मोमेंट्स को एक्सप्रेस करने के लिए अगर मैं फोर्सोज कहीं ट्रिप वगैरह पे जा रही हूँ तीन फॉर्मेट यूट्यूब दे रहे हैं जैसे कि आप लॉन्ग वीडियोज़ अपलोड कर सकते हैं शॉर्ट्स अपलोड कर सकते हैं इवन तो आप लाइव आ सकते हैं तो तीन फॉर्मेट्स में से मेरे दिमाग में था कि मैंने व्लॉग भी बनाए जब फॉर एग्जांपल फैमिली के साथ कहीं ट्रिप पे जा रहे हैं और लोगों को पूरा पूरा मुल्क या पूरी पूरी जगह दिखाना चाहते हैं तो मैं अपने व्लॉग्स बनाती हूँ जब मुझे लगता है कि हम कोई फ़नी चीज़ कर रहे हैं Uh, कोई स्टाइलिंग वीडियो है हमारे ड्रेसेस के बारे में बहुत से लोग पूछते हैं या हम आपस में कोई शरारतें कर रही हैं तो उसका मैं जो है ना वो शॉर्ट बना के अपलोड कर देती हूँ और अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्ट करती हूँ लेकिन अगर बात आए कि uh, कोई चीज़ जैसे कि हमारी जिंदगी का बहुत बेस्ट मोमेंट था कि हमारे जब वन मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए थे किसी के लिए भी बहुत बड़ी बात होगी तब हमने सोचा कि हम जो है ना वो लाइव आएंगे क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे और लोगों को ब्राह राज दिखा सकेंगे कि किस तरह से जो है वो हमने अपने इस जर्नी को कंप्लीट किया तो हम लाइव आए और मेरी लाइव वीडियो पे जो था वो 400 के व्यूज आए थे और आजकल कल के मतलब टाइम में जहाँ पे ऑडियंस जो है वो हर तरह का कंटेंट पसंद करती है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एज अ क्रिएटर कि हम उन्हें मल्टीपल फॉर्मेट यूज़ करते हुए एंटरटेन करें और कनेक्टेड रखें और बात ये है कि YouTube इज़ रियली द ओनली मल्टी फॉर्मेट प्लेटफॉर्म जो हमें अलाउ करता है टू कनेक्ट विद आर कम्युनिटी इन वाट एवर द वे वी आर ये फॉर्मेट सिर्फ क्रिएटर्स को अवेलेबल नहीं है लेकिन आप एडवर्टाइजर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हमारी तरह अपनी रीच और कनेक्शन को बढ़ा सकते हैं अपने कस्टमर्स के साथ इन दी एंड में यही कहना चाहूंगी कि इफ यू स्टार्ट समथिंग बिलीव इन इट स्टिक टू इट लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक एंड रिमेन पॉजिटिव थैंक यू सो मच यूट्यूब फॉर प्रोवाइडिंग अस दिस प्लेटफॉर्म इट इज ट्रूली 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 चेंज आवर लाइफ उसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत अपनी दुआ में याद रखिएगा अपना बहुत ख्याल रखिएगा बाय बाय टेक केयर अल्लाह हाफिज थैंक यू